हे एवरीवन, आने देते हैं कुछ लोगों को। नोटिफिकेशन आजकल थोड़ी लेट पहुंचती है सबके पास, इसलिए काफी टाइम लग जाता है आने में। तो आज का जो केक है ये है चॉकलेट मोचा केक। हाय हाय एवरीवन, हाउ आर यू? सो आज हम लोग बनाने वाले हैं चॉकलेट मोचा केक। हाय अंजलि जी, हाय जसविंदर जी। तो उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे पहले, क्योंकि चॉकलेट मोचा केक जो है ना उसके अंदर आप कॉफी यूज कर सकते हो। हाय रीता जी, कॉफी यूज करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून कॉफी लिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें अपने केक को ना आज कॉफी फ्लेवर देना है चॉकलेट के साथ साथ, तो इसलिए आज काफी दिनों बाद लाइव आई हूँ। हाय अनीता जी, हाउ आर यू? आज काफी दिनों बाद लाइव आई हूँ, बिकॉज तबीयत ठीक नहीं थी बहुत टाइम से। एक हफ्ता हो गया था। हमने जो वो शेयरर का कॉन्टेस्ट अनाउंस किया था, उसका रिजल्ट भी 15th of April को आना था, 15th of April को आना था, बट वो भी नहीं आया क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन आज वो अनाउंस होने वाला है, तो चिट्स यहाँ पे हैं, एंड में अनाउंस करेंगे, देखेंगे किसका नाम आता है। जिन जिन लोगों ने वीडियो शेयर करी थी, एंड प्लीज अभी भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कैसे किया है। जो स्पॉन्ज है ना, ये स्पॉन्ज की लेयरिंग करी हुई है मैंने। ये जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को बनाते टाइम इसके बैटर में मैंने जो हमारा कोको पाउडर वगैरह जो चॉकलेट वाला होता है वो तो मैंने डाला ही है। हेलो आशु जी। साथ ही साथ इसके अंदर मैंने 1/2 TSP कॉफी पाउडर डाला था, ताकि उसको जो हमारा स्पॉन्ज है उसके अंदर भी बहुत अच्छा कॉफी फ्लेवर आए। ठीक है, देन ये है हमारी विपिंग क्रीम। ठीक है, अब इस विपिंग क्रीम के अंदर मैंने क्या डाला है, इस विपिंग क्रीम के अंदर मैंने चॉकलेट गनाश डाला है। ठीक है, 2 टेबल स्पून चॉकलेट गनाश डाला है। साथ ही साथ इसके अंदर मैंने हाफ टी एस पी जो है वो कॉफी पाउडर भी डाला है। इंस्टेंट कॉफी कोई भी आप ले सकते हो, ब्रू ले लो, नेस्कैफे ले लो। हेलो वर्षा जी, हेलो अनीता जी। वही डाला है, उसको अच्छे से मैंने दोबारा से मिक्स कर लिया है। इसको मिक्स करने के लिए आप बीटर का यूज करना, हाथ से मिक्स करोगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होता। अभी देखो इसमें ना ये इक्वली मिक्स हुआ हुआ है ना, तो इसलिए बीटर का यूज करना है इसको मिक्स करने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना एक स्पॉन्ज रखा है, देन ये जो है इसके अंदर मैंने कॉफी मिलाई है। अगर आप चाहो, आपको कॉफी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए अपनी कॉफी में, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप इसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेट गनाश का भी ऐड कर, चॉकलेट गनाश को भी ऐड कर सकते हो। अब यूजली मैंने अपने हर लाइफ में आप लोगों को बताया है कि जब भी आप अपने स्पॉन्ज को सोक करते हो ना, तो उस टाइम पे हमारा जो चॉकलेट स्पॉन्ज होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा वॉटर लेता है सोक होने के लिए, कंपैरेटिवली अपना ये वनीला वाला। वनीला में थोड़ा सा कम लगता है, बट जो हमारा चॉकलेट वाला है उसके अंदर ज्यादा लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी फिंगर को जस्ट यूं टच करके देखना है, ये वेट होना चाहिए। अगर ये वेट है, दैट मीन कि आपका जो स्पॉन्ज है वो अच्छे से सोक हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि जब हम अपना जो केक है उसको फ्रिज के अंदर जब रख देते हैं, तो आपकी क्रीम की जो लेयरिंग है वो अलग हो जाती है और आपका जो स्पॉन्ज की लेयरिंग है वो अलग हो जाती है। मतलब आपका स्पॉन्ज जो है अलग रहता है और क्रीम बिल्कुल प्यूरी लेयर के साथ ही अलग हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपने अपने स्पॉन्ज को बहुत अच्छे से सोक नहीं किया है। तो इसलिए स्पॉन्ज को सोक करना बहुत जरूरी है। जितने अच्छे से सोक हुआ हुआ होगा ना, तो आपका क्रीम के मॉइस्चर को लेगा ही नहीं। और अगर ये सोक नहीं हुआ होगा, तो आप जैसे इसके ऊपर क्रीम लगाओगे ना, वो इसके मॉइस्चर को सारा ले लेगा। उसी टाइम पे नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ले लेगा। 2 घंटे 4 घंटे में आप देखोगे कि आपकी क्रीम जो है वो बिल्कुल अलग हो गई है और आपका जो स्पॉन्ज है वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो इसलिए ठीक है, आप इसको अच्छे से सोक किया करो। ये हो गया, इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो हमारा गनाश है ये, इसको मैं इस पे डालूंगी थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज मैं इसके अंदर ऑलरेडी ना काफी ऐड कर चुकी हूँ चॉकलेट, बहुत चॉकलेटी और कॉफी फ्लेवर हो जाएगा ये। ठीक है, तो जस्ट कुछ नहीं करना है, लेना है और टर्न टेबल को मूव कर देना है। ये देखो,
ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑप्शनल है कि आप इसके अंदर थोड़ा सा चॉको चिप डालना चाहते हो नहीं डालना चाहते हो, मैं थोड़ा बहुत डाल रही हूँ, ठीक है, तो आप चॉको चिप डाल सकते हो। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जो दूसरी लेयर है वो इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे ना ये स्पॉन्ज टूटा हुआ है, तो जो भी इस तरीके से हो जाता है बहुत बार कि स्पॉन्ज टूट जाता है, तो उसको बीच में आप लगा सकते हो बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन बस सोकिंग का अच्छे से ध्यान रखना है कि जो सोकिंग है वो आप बहुत अच्छे से करो। तो यहाँ पे अच्छे से सोक करेंगे और कोरोना का तो बहुत गंदा हाल है हर एक जगह, तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने लव वंस का भी। दिल्ली भी बहुत बुरा हो चुका है। यहाँ पे दोबारा से मैंने पाइपिंग बैग की हेल्प से ही इसको अच्छे से क्रीम लगाऊंगी मैं इसमें, ठीक है। जिन लोगों को ना देखो हम डायरेक्टली तो ऑफकोर्स लगा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को दिक्कत होती है शुरू में, खासतौर पे बिगनर्स के लिए बोल रही हूं मैं, आप ना पाइपिंग बैग की हेल्प से जो क्रीम है वो लिया करो, लगाया करो इसके ऊपर। इससे क्या होगा ना आपकी जो क्रीम है वो इक्वली ही लगेगी, नहीं तो क्या होता है कहीं पे क्रीम ज्यादा लग जाती है कहीं पे कम लग जाती है, तो वो टेस्ट में भी ना, और टेस्ट तो होता ही है ऊपर नीचे साथ साथ ना, आपका स्पॉन्ज जो है वो टेढ़ा हो जाता है, आपका केक टेढ़ा हो जाता है। इसलिए अब यहाँ पे जो हमारे गैप्स हैं थोड़े बहुत ही हैं, ज्यादा है नहीं, इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। ये गैप्स जो है इसको साथ के साथ आप फिल करते जाओ। ठीक है, ये हो गया। देन अपनी ये देखो, ये मेरा नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल आधा ही हो चुका है, इसे भी यहाँ बीच में रखते हैं। ये इतना सॉफ्ट बनता है ना प्रीमिक्स से कि इसे बहुत आराम से उठाना पड़ता है, अदरवाइज इसका यही हाल होता है। और ये यहाँ पे हमारा सिरप भी खत्म हो गया, इसे थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा। मैंने अगेन इंस्टेंट कॉफी ली है, कोई भी कॉफी ले लो, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से जस्ट मिक्स करना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है जब आप इस तरीके से बनाते हो तो। और अदरवाइज मैंने आपको बता दिया क्या ऑप्शन है, कॉफी नहीं यूज करना चाहते हो तो गनाश थोड़ा सा इसके अंदर डाल के, या फिर ये जो हर्षी का चॉकलेट सिरप आता है ना, आप ये भी डाल के और उसमें थोड़ा सा पानी डालो और उसके बाद उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सोकिंग करनी है अच्छे से, जितनी अच्छी सोकिंग होगी केक उतना ज्यादा मॉइस्ट होगा और उतना ही ज्यादा अच्छा बनेगा। बहुत टाइम तक आपका जो केक है वो ऐसा नहीं होगा कि वो आपके लेयरिंग जो लेयर्स जो है उसको छोड़ देगा, ठीक है। वापस से इसको घुमाएंगे, ऐसे देन फिर से चॉकलेट सा गनाश। Where did you get? अनिता जी आप प्रीमिक्स पूछ रहे हैं, वो रिमिक्स लिखा हुआ है। अगर आप प्रीमिक्स पूछ रहे हैं तो प्रीमिक्स जो है, ये प्रीमिक्स जो क्लास में मैं सिखाती हूं ना, ये वही प्रीमिक्स है, मैं बाहर से प्रीमिक्सेस बाय नहीं करती। व्हिप क्रीम अगर अच्छे से नहीं लगती है तो उसका सिंपल ट्रिक यही है कि आप ना पाइपिंग बैग यूज करो। पाइपिंग बैग से आप देखोगे कि आपकी जो व्हिपिंग क्रीम है ना वो बिल्कुल इक्वली लगेगी, और कहीं पे भी ना ऐसा नहीं होगा कि कहीं ऊपर नीचे लगी है। जब भी आप क्रीम लगाते हो ना तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आप अपने इसको नाइफ को जितना कम उठाओगे आपकी क्रीम अच्छे से लग जाएगी। जैसे अगर मैं इसको यूं कर रही हूं ना, अगर मान लो कि चलो अभी तो मैंने पाइपिंग बैग से लगाया, बट अगर मैं डायरेक्टली भी क्रीम लेती
तो आप इसको सबसे पहले तो होल्ड करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी तीन फिंगर रखनी है यहाँ, एक फिंगर आपको रखनी है यहाँ। यहाँ पे जब भी आप फिंगर रखते हो ना, तो इससे क्या होता है कि आपका जो ये नाइफ है बिल्कुल ना बैलेंस्ड रहता है, इधर उधर वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे ऊपर हो गया कहीं नीचे हो गया, बहुत बैलेंस रहता है, इसलिए एक फिंगर का यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। देन जब आप इसके ऊपर क्रीम लगाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको कम से कम उठाना है, आपको बार बार ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं उठाना। देखो अगर मैं इसको ऐसे से करके उठा रही हूं तो ये देख रहे हो आप, ये जो उठ रहा है ना, इसी के साथ साथ आपके केक के जो क्रम्स हैं वो भी उठ जाते हैं, इसलिए कम से कम आपको उठाना है और इसको अच्छे से रोल कर लेना है, बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है व्हिपिंग क्रीम को ढंग से लगाने का, क्योंकि पाइपिंग बैग वाला जो तरीका है ये तो बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इजी है। मैं अपनी लास्ट लेयर रख रही हूं ऊपर, ठीक है, एंड उसको फिर से सोक कर रही हूं। That's it, हो गया ये। हमने इसमें चॉको चिप डाला ही नहीं है लास्ट वाले पे, भूल गई। अब इसे हम ऊपर से कवर कर लेंगे। और ऐसा कुछ नहीं होता, पता है बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपका व्हिपिंग क्रीम किस एसी में, समर्स में नहीं होता। देखो अभी मैं ना फैन में काम कर रही हूँ, बिकॉज तबीयत भी ठीक नहीं है, तो एसी कूलर सब अवॉइड कर रही हूँ, और इसे आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, और क्रीम देखो, क्रीम अभी भी उतनी ही स्टिफ है, कुछ नहीं हुआ। तो पूरा जो तरीका है ना वो सिर्फ इतना सा है कि आपकी क्रीम जितनी ज्यादा, मतलब आप अपनी क्रीम को जितने अच्छे से बीट करोगे ना, आपकी क्रीम नहीं खराब होगी, गर्मी में भी खराब नहीं होगी, ना ही ये मेल्ट होगी। तो सिर्फ उसको व्हिप करने का तरीका, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर क्रीम है जिस क्रीम को ही यूज करना है, उसके अलावा दूसरी कोई क्रीम यूज नहीं करनी है, ऐसा भी नहीं है। कोई भी क्रीम यूज करो, व्हिपिंग करने का, अगर क्रीम को व्हिप करने का तरीका अगर ठीक है तो आपकी क्रीम खराब होगी ही नहीं। अगर केक ड्राई हो जाता है तो वही तरीका मैंने आपको बताया कि आपका जो स्पॉन्ज है ना, ये देखो ये निकली इसमें से क्रीम, आपका जो स्पॉन्ज है वो ठीक से वो नहीं हुआ है, सोक नहीं हुआ है, तो सोकिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोक ठीक से हुआ होगा तो आपकी क्रीम को कुछ नहीं होगा और ना ही आपका स्पॉन्ज को कुछ होगा। अब इसी तरीके से इसे घुमाते हुए हम पूरे केक को कवर कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी क्रीम बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है तो आप क्या करोगे, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको जस्ट पानी, मतलब एक चम्मच के करीब ही बस आपको पानी मिलाना है, और उसके बाद आपको उसको बहुत अच्छे से फेंटना है। ये मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है लाइव में ही कि कई बार क्या होता है ना कि क्रीम ड्राई हो जाती है, तो उस टाइम आपको सिर्फ उसको अच्छे से फेंटना है और कुछ नहीं करना है, तो वो आप देखोगे कि वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब जब फाइनल फिनिशिंग देनी होती है ना, तो नाइफ आपका जितना क्लीन रहेगा आपकी फाइनल फिनिशिंग उतनी ज्यादा अच्छी होगी। प्रॉपर सोकिंग आप कैसे समझोगे, देखो बहुत बार तो ऐसे लिखा होता है कि आपको ना इतना ml पानी डालना है या इतने ml वो चाहिए आपको, मतलब आप 2 स्पून पानी डालो या 3 डालो, बट ऐसा कोई फिक्स वो नहीं है, बिकॉज जब हम केक बनाते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम ऐसे मेजर करें कि मेरा ये 10 ml है, ये 15 ml है। ठीक है, तो उस टाइम आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब आप इस तरीके से अपने स्पॉन्ज पे फिंगर करके ऊपर करो तो आपकी जो फिंगर है ना वो वेट होनी चाहिए। अगर वो वेट है तो इसका मतलब है कि आपका जो क्रीम है, आपका जो स्पॉन्ज है वो अच्छे से सोक हुआ है, और कोई तरीका नहीं है इसका। और अदरवाइज बिल्कुल मेजर करके करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है कि हम बार बार उसको मेजर करते रहे और उसके बाद करें, तो मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप उस पर ऐसे फिंगर रखो। फिंगर रखने पे अगर वो गीला लग रहा है, आपका हाथ जो है वो गीला है, तो इसका मतलब है कि आपका जो स्पॉन्ज है वो बिल्कुल ठीक से वेट हुआ है, मतलब मॉइस्ट हुआ है।
एक्स्ट्रा जो है उसको हम निकालते रहेंगे साथ साथ। आपकी क्रीम से जो क्रम्प निकलते हैं ना, वही मैंने बताया कि जब मैं इसको इस तरीके से क्रीम लगाऊंगी ना, तो आपको अपने इसको कम से कम ऊपर उठाना है। जैसे अगर आप ऐसे ऐसे करो तो आप ऐसे करो। लोग क्या करते हैं, आपने ऐसे सेट किया फिर उठाया, फिर ऐसे सेट किया फिर उठाया। आप जितनी बार इसको ऊपर करते हो उतनी बार आपका जो केक के क्रम्स है वो उसके साथ निकलते हैं। तो इस चीज का आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली जो दिक्कत है ना, यहाँ पे जो आई है, ये दिक्कत ज्यादातर तब आती है जब हम अपनी क्रीम के अंदर गनाश मिलाते हैं। कौन सी दिक्कत की बात कर रही हूँ? देखो, क्रीम फटी फटी से दिख रही है ना, तो इस तरीके से तो हम अपने केक को नहीं रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ना हॉट वाटर लो, थोड़ा सा गर्म पानी लो। मेरे पास अभी फिलहाल गर्म पानी नहीं है, गर्म पानी से लोगे तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा मेरे पास ठंडा पानी है, मैं इसी में अपने इसको थोड़ा सा डिप कर रही हूँ नाइफ को। आपके पास गर्म पानी हो तो आप उसका यूज करना। एंड डिप करने के बाद मैं इसको अच्छे से फिर से घुमा रही हूँ। ये धीरे धीरे सेट हो जाएगा। ठीक है, यहां से अंदर को लिया, गनाश का रेशियो देखिए वैसे तो 2:1 रहता है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि ना ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलरली गनाश का जो रेशियो है आपको उसी को फॉलो करना है। बस हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो चॉकलेट है वो ज्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली आपका क्रीम, दूध, पानी जो भी आप डाल रहे हो, ठीक है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं होता। जितना ज्यादा अगर आप चाहते हो कि आपका जो चॉकलेट है बहुत ज्यादा चॉकलेट फ्लेवर आए, तो आप चॉकलेट जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखो और उसको सेट होने के लिए फ्रिज में रखो। मतलब अगर आपको सिर्फ गनाश से के साथ काम करना है तो गनाश को आपको मॉर्निंग में बना के रखना है। गनाश को आराम से 3-4 घंटे तक का टाइम देना है सेट होने के लिए। इमीडिएटली बना के उसको सेट करना चाहोगे वो सेट नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है इसका, ठीक है। ये जस्ट लेवल हो गया है, साइड में जो मेरा है थोड़ा सा इस पे मैं चॉको चिप लगाऊंगी। आप ज्यादा लगाना चाहते हो, आप वाइट वाइट चॉको चिप जो होता है आप उसको यूज करके भी लगा सकते हो मिक्स करके, बट मैं सिर्फ चॉकलेट लगा रही हूं, ठीक है। ये हो गया, एक्स्ट्रा जो चॉको चिप है इसे निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, और बाकियों को थोड़ा सा इस तरीके से नाइफ से ही प्रेस करेंगे ताकि वो अंदर हो जाए।
देन ये जो मेरी गनाश है इसे मैं स्प्रेड करूंगी। वैसे ना ये आपका थोड़ा सा और थिक होना चाहिए अगर आपको ऊपर स्प्रेड करना है, बट हम इसी के साथ काम करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसमें आप साइड में ड्रिपिंग्स भी लेके आ सकते हो। जस्ट यहां रखा और इसको इस तरीके से मूव कर दिया। और क्योंकि ये मेरी जो गनाश है ये थोड़ी सी अभी थिक ही है, तो आपको बहुत ज्यादा अपने नाइफ को इधर उधर नहीं हिलाना, अदरवाइज ना ये आपके चॉकलेट को और आपकी क्रीम को मिक्स कर देगा। ठीक है, दैट्स इट। बहुत हल्के से इसको आपको चलाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने यहां पे थोड़ी सी व्हाइट क्रीम रखी है, इसके अंदर मैं ब्लू कलर में ला रही हूं। ठीक है, एंड इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि क्रीम ड्राई होती है तो थोड़ा सा पानी मिला के करना है, जस्ट इसी के अंदर आपको एक चम्मच पानी मिलाना है और इस तरीके से थोड़ा सा स्पीडली फेंटना है, तो आपकी क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये देखो हो गया। अब क्या करना है मुझे, मैं यहाँ पे ये नोजल ले रही हूँ, ये है 2D। ठीक है, रोजेट्स नोजल बोलते हैं हम लोग उसे। और इसे थैंक यू सो मच दीपिका जी, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि कोई और भी अगर इंटरेस्टेड हो लाइटिंग में तो वो सीख सके, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और इस वीडियो को भी प्लीज लाइक करिएगा। ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा निकाल लेते हैं, और थोड़ी सी क्रीम ना नोजल में से निकालना भी जरूरी होता है, अदरवाइज पता है क्या होता है ना, इसके अंदर एयर बबल्स होते हैं ना, जैसे ही आप अपने केक के ऊपर रखते हो एयर बबल्स निकल जाते हैं। अब यहां पे लुक एट दिस, ठीक है, अब है हमारा नीचे, तो नीचे क्या करेंगे, नीचे भी थोड़ा सा बॉर्डर देंगे। आप लोगों के साथ होता है जब भी मैं लाइव आती हूँ ना, तो ऐसा माइंड थोड़ा सा सेट करके आती हूँ कि आज ये वाला डिजाइन बनाऊंगी, और आज तक वो डिजाइन जो है ना वो ऐसे बनता नहीं है। जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं ना
तो दिमाग में अपने आप ही डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं, नहीं थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, और वही होता है। तो जब आप बनाने बैठते हो उसमें और जो आप बना के निकलते हो उसमें बहुत फर्क होता है, डिजाइन एकदम अलग हो जाते हैं। स्प्रिंकल्स नहीं मिल रहे मेरे को, आप इसके ऊपर ना थोड़ा सा स्प्रिंकल्स डाल सकते हो, मैं स्प्रिंकल लेके आती हूँ, स्प्रिंकल है नहीं यहाँ पे। ये छोटी सिल्वर बॉल्स हैं, ठीक है, ये मैं यहाँ पे ऊपर इस फ्लावर के ऊपर डाल रही हूँ और साथ में यहाँ पे बीच में। प्लीज बताइए आप लोगों को ये जो केक का डिजाइन है ये कैसा लगा, केक कैसा लगा। अगर किसी भी क्लास की डिटेल चाहिए होगी तो आप मुझे पिंग कर सकते हो। लुक एट दिस सी, सो ये है हमारा चॉकलेट मोचा केक, ठीक है, एंड बहुत इजी है, कुछ नहीं करा इसके अंदर। अब जैसे यहाँ पे मैंने चॉको चिप कम लगाया बिकॉज बहुत ज्यादा चॉकलेटी हो जाएगा, लेकिन आप इसको पूरा कवर भी कर सकते हो, ठीक है। एंड लुक एट दिस, सो क्लासेस को लेके अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, कुछ है तो प्लीज मुझे बताइए। हाँ गुंजन जी, डिजाइन बिल्कुल चेंज हो जाता है, थैंक यू हिना जी। कुछ पूछना है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, एंड क्लासेस की डिटेल्स के लिए आप मुझे पिंग कर सकते हो। मेरा नंबर 9716816469 है। क्लासेस बहुत सारी है, बेसिक टू एडवांस केक क्लास है, एंड इसके अलावा फॉन्डेंट क्लास है, रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवीज है, एंड नेचुरल आइसक्रीम क्लास है, बिकॉज अभी तो वैसे भी कोरोना चल रहा है ना, बाहर से आइसक्रीम लाना ठीक नहीं है, तो इसलिए अपनी घर पे खुद ही आइसक्रीम बनाओ नेचुरल तरीके से, नेचुरल आइसक्रीम क्लास है। एंड आइसक्रीम के अलावा बहुत सारी क्लासेस है, मतलब नंबर्स ऑफ क्लासेस आप मुझे पिंग करना मैं बताऊंगी। हाँ लास्ट सेशन में मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था प्रीमिक्स को लेके। प्रीमिक्स के लिए ये है कि जो प्रीमिक्स होते हैं ना हमारे, वो प्रीमिक्सेस जो मैं क्लास में सिखाती हूँ उसी प्रीमिक्स का यूज करती हूँ। ये सारे प्रीमिक्सेस आपको बहुत ज्यादा मार्केट से बहुत सस्ते पड़ते हैं, जैसे मार्केट से हम जो प्रीमिक्सेस लाते हैं वो आपको कॉस्टली पड़ता है, लेकिन यही प्रीमिक्सेस जब आप बनाते हो खुद से आपको सस्ता भी पड़ता है। स्पॉन्ज बहुत अच्छा बनता है, सुपर सॉफ्ट होगा, हाइटेड होगा, तो स्पॉन्ज बहुत अच्छा बनता है, एंड प्रीमिक्स जैसा मैंने बताया सस्ता पड़ता है। और ये जो प्रीमिक्स की क्लासेस के अंदर हम लोग इंडस्ट्रियल और होममेड दोनों जो प्रीमिक्सेस है उन दोनों को कवर करते हैं, तो ये दोनों रहेगा। व्हिपिंग क्रीम क्यों फट जाती है? व्हिपिंग क्रीम इसलिए फट जाती है बिकॉज आप उसको ओवर बीट कर देते हो, आप उसको ज्यादा बीट करते हो इसलिए व्हिपिंग क्रीम फट जाती है। एक सिंपल और सीधा तरीका बताती हूँ क्रीम का। क्रीम जिस टाइम पे आप लोगों को ऐसा लगे ना, थैंक यू पंकज जी, क्रीम आपको जिस टाइम पे ऐसा लगे कि आपकी क्रीम जो है वो बीट हो गई है, ठीक है, उसके बाद सिर्फ आप 2 से 3 मिनट उसे और बीट किया करो, उसके ऊपर बीट मत किया करो। बहुत बार आप लोगों को ऐसा लगता है कि ना हम अगर क्रीम को ज्यादा बीट करेंगे तो वो स्टिफ ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ऐसा होता नहीं है। जब क्रीम बहुत स्टिफ होती है ना तो वो फटने लग जाती है, और अगर आपको ये दिक्कत होती है कि क्रीम फट जाती है तो मैंने आपको जस्ट अभी तरीका बताया और दिखाया भी। क्रीम के अंदर 1 चम्मच पानी डालो और उसको बहुत अच्छे से फेंट दो, आपकी जो क्रीम है वो वापस से पहले जैसी ठीक हो जाएगी। क्रीम को जब भी बीट करते हो, खासतौर पर समर्स में जब भी क्रीम को बीट करते हो, तो क्रीम को आप एक बार ना फ्रिज के अंदर थोड़ा सा रख दिया करो 5-10 मिनट, बट खुला मत रखा करो, उसको ना कवर करके रखा करो। इवन जैसे अगर मैं यहाँ पे काम कर रही हूं, अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है केक बनाने के लिए, तो प्रीमिक्स की क्लास की फीस जो है वो 799 है, जिसके अंदर 16 प्रीमिक्सेस कवर है। वो कौन कौन से प्रीमिक्सेस है आप मुझे एक बार पिंग करना, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगी। सो जैसे अगर आपको केक बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, आपको जितनी जरूरत है ना क्रीम की उतनी क्रीम निकालो, बाकी को आप अंदर फ्रिज के अंदर कवर करके रखो, और जितना जरूरत है उतनी निकालो और उतनी उतनी को यूज करो, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को होती है समर्स में क्रीम को हैंडल करने में। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपका तरीका ठीक है तो क्रीम को हैंडल करने में समर्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज अभी भी देखो ना, मैं भी खुद कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रही हूँ, कुछ नहीं हुआ। और ये भी देखो, ये यूज करी हुई क्रीम है, बट स्टिल दिस इज स्टिफ, ये जो मेरी थोड़ी सी इसके अंदर बची थी मैं वही दिखा रही हूँ, बट ये अभी भी स्टिफ है, नहीं गिर रही है, है ना, गिर गई। लेकिन
लेकिन ये वाली जो क्रीम है अगर आप ढंग से स्टिफ करोगे ना, अगर ढंग से बीट करोगे तो वो खराब नहीं होगी। फाउंडेशन क्लास की फीस जो है मेरी वो है आई थिंक 1200 है। हाँ 1200 है, बिकॉज बहुत सारी क्लासेस है ना थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। 1200 है, जो जो कवर है उसके अंदर आपको होममेड फॉन्डेंट भी बताया है कि आपको फॉन्डेंट घर में कैसे बनाना है, बिकॉज बाहर के जो फॉन्डेंट होते हैं ना उसका बहुत सारे लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं है, तो वो जो आप घर में जब बनाते हो वो आपको सस्ता तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में टेस्टी भी होता है। बाकी फॉन्डेंट क्लास ए टू जेड कवर है, कैसे फॉन्डेंट बनाना है और कैसे कवर करना है, मतलब जो भी फॉन्डेंट क्लास ले लेते हो अगर आप, या आप ये बेसिक टू एडवांस की केक क्लास लेते हो, उसके बाद आप अपना खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इवन सारी क्लासेस जो मेरी हैं वो सब ऐसे ही हैं, जिसको आप करते हो अगर तो आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो बहुत इजीली। आरटीजी क्रीम मेल्ट होती है, उसी के ऊपर बहुत देर से डिस्कशन हो रहा है, प्लीज एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। इन शॉर्ट मैं आपको यही बोलूंगी कि क्रीम अगर ठीक से बीट नहीं हुई होती है वो इसीलिए मेल्ट होती है, तो क्रीम का बीट करना बहुत जरूरी है और सही तरीके से बीट करना बहुत जरूरी है। तो और बाकी कुछ है नहीं, अच्छा चलो रिजल्ट्स भी निकाल लेते हैं, अदरवाइज मैं यही भूल के लाइव बंद कर देती अभी, ठीक है। तो यहाँ पे छह स्लिप्स हैं, ये स्लिप्स वो है, मैं बता देती हूँ, ये स्लिप्स वो है जब हमने लास्ट लाइव्स करे थे, तो उस लाइव में हमने ये केक आधा किलो का है क्या, नहीं ये केक आधा किलो का नहीं है, ये अप्रोक्स आपका 1 kg है ये केक। सो हाँ, जो लास्ट लाइव हमने करे थे उस लाइव को जिन जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स के अंदर शेयर किया और जिन जिन को शेयरर का टैग मिला, ये उन लोगों के नाम है, ठीक है। इसमें से मैं एक स्लिप निकालने वाली हूँ और इसके अंदर जिसका भी नाम होगा उसको टाइल्ड ब्राउनी एंड ब्लॉन्डी की जो क्लास है वो मिलने वाली है, तो प्लीज आप मुझे पिंग करना। अथर्व अभी नहीं है, अदरवाइज मैं अथर्व से निकलवाती हूँ, वो सो रहा है। तो एक निकाल लेते हैं, इस पे नाम आया है पंकिता एच भावसर, आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो, बट दिस इज पंकिता एच भावसर सी, ठीक है। सो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे और जो क्लास की डिटेल्स है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। आपको मिलता है टाइल्ड ब्राउनी एंड ब्लॉन्डी वाली क्लास, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट भी करते रहेंगे, इसलिए वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए, ठीक है। तो इस लाइव को यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है एंड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, मैं अभी लाइव एंड होने के बाद थोड़ी देर में सारी क्वेरीज के रिप्लाई करूंगी एंड मैं करती हूँ सबके रिप्लाई करती हूँ जितने हो सकते हैं, तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके छोड़ दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। कोरोना है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने लव वंस का भी ध्यान रखिएगा, बाहर कम से कम जाइए, जरूरत नहीं है तो मत जाइए क्योंकि बहुत बुरा हाल है बाहर, क्योंकि अभी फिलहाल जब मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी तो मेरे घर में साथ साथ सबकी तबीयत खराब हो गई है। आरोही जी पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप, 1 kg के केक के लिए आप 7 या 8 inch का टीन यूज कर सकते हो। आरोही जी प्लीज दोबारा पूछिए, मैं उसके बाद लाइव एंड करूंगी। आप पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे। नोजल ये तो उसके अंदर है, आपको समझ नहीं आएगी, कोशिश करती हूं। ये देखो रोजेट नोजल है, अदरवाइज इसका नंबर जो है ना वो 2D है, दिख रहा है, ठीक है। ये नोजल है, मैं देखती हूँ ये इसका, अगर मेरे पास एक और होगी हमारी शायद, अभी मेरे पास नहीं है। ये जो ये नोजल होती है ना, ये वाली, इसी का बड़ा साइज है ये, जिससे आपका रहता है। प्राइस ऑफ केक, इस केक का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है, देखिए अलग अलग मैं बोलूंगी। अगर आप इसको चॉकलेट मोचा केक लोगे और साथ साथ जैसे मैंने इसके अंदर चॉको चिप वगैरह भी लगाया है, तो 1 kg केक का रेट अगर मैं आपको दिल्ली के हिसाब से बताऊं तो दिल्ली के अकॉर्डिंग इस केक का प्राइस जो है, इस केक का जो प्राइस है वो अप्रॉक्स जाएगा 700, 720, 730 में ये चला जाता है, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स डिपेंड करता है आपने क्या सामान लगाया, अगर आपने चॉको चिप नहीं लगाया, बिकॉज चॉको चिप थोड़ा सा कॉस्टली साइड आता है, बहुत ज्यादा नहीं बट ऑफकोर्स आता है, गनाश यूज करा है हमने इसके अंदर, ठीक है। देन
गनाश यूज किया है, चोको चिप यूज किया है, तो आप उसके हिसाब से अपने जो रेट्स हैं वो लगा सकते हो। बट दिल्ली में आपका आधा किलो केक 300 350 नॉर्मल केक 350 तक मिलता है, एंड एक किलो केक जो है वो आपको 700 रुपए, बाकी अगर कुछ एडिशंस हैं तो वो ऑफकोर्स आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो केक के रेट्स डिसाइड करने का सबसे सीधा और सही तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्या करो कि ना, क्योंकि देखो हर जगह केक्स के रेट अलग है। मैं आपको अगर बोलूं कि मैं इसको 750 का बेचूंगी तो आप लोग, ये जरूरी नहीं है कि आप भी इसे 750 का सेल करो, हो सकता है कि आप जब इसे सेल करोगे ना तो ये 750 से ज्यादा का चला जाए आपके एरिए में, ये भी हो सकता है कि उससे भी कम में जाए। तो सीधा सा तरीका ये है, सबसे पहले अपने केक की कॉस्टिंग निकालो, ठीक है। कॉस्टिंग निकालने के बाद मार्केट में जो कोई भी नियर बाय बेकरी, उनका पैम्पलेट लो, चेक करो, क्योंकि आप जहां रह रहे हो ना आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपसे जो 2 घंटे 4 घंटे दूर है वो आपसे ऑर्डर कर रहा होगा, कर सकता है ऑफकोर्स, बट रेयर सिचुएशन है। हमारे ज्यादातर हमारे फ्रेंड्स फैमिली हमारे आसपास के लोग हमसे जो केक्स हैं वो लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसके लिए अपने नियर बाय बेकरी से में जाके ना उनके पैम्पलेट्स ले लो या उनके रेट लिस्ट एक बार देखो, साथ साथ ऑनलाइन भी आप उसकी रेट लिस्ट देख सकते हो। जैसे ऑनलाइन अगर आप सर्च करो तो फर्म्स एंड पेटल्स है ना, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको ऑनलाइन केक का आइडिया मिल जाएगा, उनके रेट्स देखो और उसके बाद बाहर से कम और अपने उससे थोड़ा सा ज्यादा करके आप मैनेज कर सकते हो। बिकॉज ना होम बेकर्स जो होते हैं वो हमेशा क्वालिटी केक्स देते हैं, ठीक है। साथ साथ आपको इस तरीके के बहुत सुंदर बहुत डिजाइनर केक्स बाहर ऑर्डर करने पे नहीं मिलते हैं, जैसे स्टेंसिल वाले केक है, ठीक है, अपना पुल मी अप केक है, और भी बहुत सारे केक्स अगर हम नॉर्मल बेकरी में जाए तो हमें कोई नहीं देने वाला वैसे केक। तो इस तरीके के केक ना सिर्फ होम बेकर्स के पास मिलते हैं, एंड जो होम बेकर्स होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, मैं इस बात को मानती हूँ, बहुत मेहनत करते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो इसलिए रेट्स भी उसी हिसाब से होना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा बाहर का देखो, अपने आसपास की मार्केट रिसर्च करो और अपने जो रेट्स हैं उसको देखो, और उसके बाद केक की प्राइसिंग जो है उसको डिसाइड करो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे बोलने पे कि मैंने इतना किया या आपके आसपास कोई कितने में बेच रहा है आप उतने में ही बेचोगे। आज बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, बहुत बोल रही हूँ आज मैं। हाय श्रेयस जी, ठीक है, तो इस लाइव को मैं एंड करती हूँ। हाँ ठीक है, स्टेंसिल वाला केक ना, एक्चुअली क्या कि मेरे बेटे ने मेरे 2-3 स्टेंसिल्स जो थे वो सब तोड़ दिया उसने खींच खींच के, तो अभी दिल्ली में क्योंकि लॉकडाउन है नया स्टेंसिल मंगाना पड़ेगा मुझे, तो लेकिन जैसे ही मंगाऊंगी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। स्टेंसिल वाला केक बहुत ईजी होता है, उसके अंदर तो और भी कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच श्रेयस जी। सो ठीक है गाइज, लाइव को मैं एंड करती हूँ। प्लीज लाइव को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो नॉलेज और जो डिस्कशन हमने किया वो दूसरे लोगों को भी मिल पाए। एंड किसी भी क्लास की डिटेल के लिए आप मुझे पिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है। ग्रुप के अंदर मैं रेगुलर अपडेट्स डालती हूँ ऑफर्स को लेके और बाकी सब चीजों को लेके, तो वहां से भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे क्लास के। हाय निहालिका जी। सो ऑलराइट गाइज, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव सेशन में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।